छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो माँ, माँ, छोड़ो मुझे, जायदाद होती है। आपने इस जायदाद को बचा दिया, भगवान करे तुम्हें हमेशा सुख शांति मिले। रानी के पहुंचो। इसकी जरूरत नहीं माँ जी, आप जाइए।
तुमको मेरी इज्जत की परवाह है कि नहीं? मार खा के आगे तुम? मैंने उसे दो कौड़ी का समझा, मगर टकराने के बाद पता चला वो मुझसे ताकतवर है। कैसा ताकतवर? मेरा नाम लेकर उसे जेल में डलवा दो तुम। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जनता उसे बहुत चाहती है, ये पुलिस भी जानती है। अगर ये बात है तो जाकर चुपचाप उसकी जिंदगी खत्म कर दो। ए, आने वाले इलेक्शन में मैं जिस पार्टी को बोलूंगा उसे ही वोट डालना। नहीं, जिसको मैं बोलूंगा। ए, ग्रुप का लीडर मैं हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अपने ग्रुप का लीडर हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सबका लीडर हूँ। बंद करो, अरे बंद करो। मैं यहाँ का नेता हूँ। नेतागिरी शुरू हो गई। थोड़ा सा पानी क्या अंदर गया तो बकना शुरू हो गया। मैंने तो दारू पीने में PhD की है, तो मैं कितना बकूंगा। तुम मेरी बात सुनो। तेरी बात नहीं सुनेंगे, चल जा। रघु, देर हो रही है, चलो। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। रघु, मेरे दुश्मन को आपका दुश्मन समझ के मारने गया था, मगर आपके दोस्त को अपना दोस्त समझ के छोड़ दिया। मेरा दोस्त? आपकी बेटी का दोस्त आपका दुश्मन तो नहीं होगा? राजपाल, क्या हुआ इसको? आज थोड़ी ज्यादा हो गई माजी। हाँ। अब तू माँ के सामने भी दारू पीना शुरू करेगा? बचपन में तेरी गोद में सर रखकर मैं दुख मिटाने के लिए सो जाता था, मगर अब ये दारू ही मेरा सहारा। तुम मुझसे छिपकर दारू पीता तो मैं तुम्हें छोड़ देती, मगर माँ के सामने तू अगर दारू पिएगा तो वो नहीं देख पाएगी। माँ, तेरी खुशहाल जिंदगी देखने के लिए मैं जिंदा हूँ, मगर तू ऐसा काम करेगा तो अच्छा होता कि मैं तेरे बाप के साथ ही मर जाती। माँ, तुमने जिस लड़की को देखने के लिए और उसकी परछाई से भी दूर रहने के लिए कहा था, आज मैंने उस लड़की को देखा है। करती है क्योंकि तू अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। सच कह रही है? ड्राइवर, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? हंस रहा है। वो तो हंसेगा ही ना, क्योंकि कोई भी बूढ़ा जवान लड़की को खूबसूरत ही समझता है। आजकल की लड़कियाँ कहाँ खूबसूरत होती हैं, सब पहले की कॉपी करती हैं, समझी? देखो इसको कितनी चर्बी चढ़ गई। आजकल तो जवान पे ही भरोसा किया जा सकता है, इन बूढ़ों पर तो भरोसा भी करना बेकार ही है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। नहीं नहीं, लल्लू की निकली सवारी, लल्लू की लीला है न्यारी न्यारी। गाड़ी रोको। संजना, वहां तो देख। संजना, उसे रुकवाओ तो। ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको। ओ, क्या हुआ? अरे अरे, दूर खड़े रहिए,
मेरा बैल खूबसूरत लड़कियों को देखता है तो शर्माता है। ओ, तुमने बैल को चश्मा क्यों पहनाया? उस ड्राइवर ने चश्मा क्यों लगाया है? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं इसलिए। अरे इधर भी वही बात है, आँख की तकलीफ है तो आपने चश्मा लगा दिया, लेकिन ये तो कितना पतला दुबला दिख रहा है, इसे खाना वाना नहीं देते? अरे ये ऐसा ही रहेगा, इसको शुगर की बीमारी है ना। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इनको शुगर की बीमारी है? मैंने बैल को जीभ लगाया तो मुझे पता चला कि इसको शुगर की बीमारी है। आप क्या इनसे बातें कर रहे हैं, चलो हमको और भी काम है, हटो। क्या है ये सब? आप यहाँ नहीं हो, आगे आगे देखो क्या होता है। अरे ओ लल्लू, आज हमको सब घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हम अपने बैल को चश्मा लगाए ना, इसलिए सबको जलन हो रही है। माँ को बताकर हम सबकी नजर उतरवानी पड़ेगी। माँ माँ कैसा लग रहा है माँ? ये सब क्या है माँ? तुम्हें याद है ना कि डैडी ने बताया था कि जब बूढ़े बैल की आंखें खराब हो जाती हैं तो वो ठीक से दौड़ नहीं पाता है, इसलिए हम टाउन जाकर फोटो दुकान में जाकर स्पेशल चश्मा बनवाया। वो कह रहा था अब इनको 100 किलोमीटर तक साफ दिखेगा। आपके पतिदेव तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं जानता है, अब उनको जाके अंदर बताओ। मुझे अंदर कुछ काम है। ए लल्लू, ये बढ़िया सी आइडिया उसे किसने दी? ये आइडिया और किसको आ सकता है, अपने रघु को ही आएगा ना। से तुम बड़ा बर्तन लेके आना। क्या डैडी, वो सब लोग बेचारे गरीब हैं, उनके पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं है, और दान देना तो अच्छी बात है ना। तो मैं और ज्यादा भैंस खरीदता हूँ, फिर तेरा दिल जैसा कहे तो वैसा कर। मेरे अच्छे डैडी, हम इस साल मंदिर में पूजा धूमधाम से करेंगे। बोतल है ना, बोतल के बिना धूमधाम थोड़ी ना हो सकता है। फिर ठीक है ठीक है। वो देखो राम जी आ रहे हैं। प्रणाम। ये सब क्या है? मैंने आपको कितनी बार कहा तौलिया कमर में मत बांधा कीजिए, कंधे पर डालकर चलिए। ये तो आपकी इज्जत के लिए। इज्जत दिल में हो बस इतना काफी है, आपके सामने हाथ जुड़ ही जाता है। ये आप सब लोग एक साथ किधर जा रहे हैं? मंदिर के त्योहार के लिए चंदा लेने जा रहे हैं। हाँ। इस साल आपसे भी चंदा लेने के लिए मंत्री जी ने कहा है। कौन मंत्री? हाँ मंत्री जी ने। देखिए, अनाथ आश्रम में खाना खिलाने के लिए पैसा मांगिए, और गरीब लड़की की शादी के लिए पैसा मांगिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो बताइए, उसके लिए पैसा मैं दूंगा, मगर मैं मंदिर के लिए पैसा नहीं दूंगा। ये बात आप लोग जाकर अपने मंत्री से कह देना। जो मंदिर में पैसा नहीं देगा उस गांव में रहने के लायक नहीं है। मेरी बात सुनो, अभी पंचायत जमा करो। पार्लियामेंट भी बैठे तो उससे पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में पैसे ही। अरे मैं राव जी की बात कर रहा हूँ और तुम पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। भगवान नहीं है ये सोचकर राव जी का परिवार मंदिर नहीं आता है, तो मंदिर के त्योहार के लिए वो पैसे कैसे देंगे? अब तक नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मगर अब मैं MLA हूँ, मंदिर की जिम्मेदारी अब मेरी है। ऐसा लग रहा है कि अब तुम सोए हुए शेर को जगाओगे। वो अभी तक पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं है, अगर कहीं वो पॉलिटिक्स के चक्कर में आ गया और कहीं वो MLA बन गया तो आपको फिर पंचायत मेंबर के बोर्ड की सीट भी नहीं मिलेगी। दूसरा मौका नहीं आएगा क्या? उसे मैं देखता हूँ। माँ, हम दोनों यहाँ दिन रात इतनी मेहनत और मजदूरी करते हैं, और तुम समझाती क्यों नहीं डैडी को? समझाओ ना। मेरी तरफ से भी समझा देना। अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? हाँ आप घर में तो कुछ काम करते नहीं, कम से कम इसे तो नहलाया होता, 3 दिन हो गए हैं इसे नहाए हुए। मैं जा रहा हूँ इसे नहलाने। ये कौन सा खेल है? ये एक नए तरह का खेल है। ओह, दिल्ली में तो ये नहीं खेलते सिर्फ। लेकिन मुझे ये खेल बहुत अच्छे से आता है, हमेशा मैं जीतती हूँ इसमें। झगड़ा है, देखने में मजा आएगा, चलो चलो देखते हैं। नहीं
मेरी इज्जत जाएगी ना, दे 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 मेरी धोती। नहीं नहीं दूंगी, नहीं छोड़ो। संजना ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शादी करने के बाद 2 साल तक तो वो सही चल रहा था, मगर उसका किसी के साथ चक्कर है, इसीलिए वो रोज रात को घर ही नहीं आता। तुम ही बताओ कौन सी औरत पति के रहते अकेली रात बिताएगी भला? ओ अच्छा तो ये बात है। अरे दे देना मेरी धोती, दे देना। नहीं दूंगी, पहले तुम बता तुम घर आ रहे हो या नहीं। दे दे, दे दे। अरे सिर्फ घर पे ही तो नहीं आता हूँ, बाकी मैंने तुझे क्या कमी किया? खाना दिया, सब हाँ, किया। तो क्या मेरे घर पर कपड़ा नहीं मिलता था? तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्या है? सुन, ये अलग तरह का झगड़ा है। चुप कर, तू कुछ नहीं जानता है। क्या रे तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो, इसका राज क्या है? नहीं नहीं कोई राज नहीं है। भाभी जी आप बताइए वो क्या है ना। ए तुझसे कहा ना, थोड़ी देर चुप कर, आप बताइए। पहले ये बराबर घर में खाना खाने आते थे, मगर आजकल बाहर ही खाना खाते हैं। क्यों रे, बाहर क्यों खाता है? शुरू शुरू में इसका खाना तो अच्छा लगता था, मगर अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर खाना पड़ता है। दिन में आप कहीं भी खाना खाओ, लेकिन रात में तो घर पे आ जाया करो ना। भाभी जी इसे आपके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता, तो इसे रात का खाना बाहर खाने दो। लेकिन रात का खाना खराब हो जाता है ना। रात का खाना खराब हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक अच्छा तरीका है रात के खाने को खराब होने से बचाने के लिए। आज से खाना खाने के लिए रात को मैं तुम्हारे घर आया। अरे भाग रहे, मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, ये भाग रहे हैं। ए तू क्या सोच रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? आप वहाँ खाना खाने गए तो वहाँ क्या होगा यही सोच रहा था। क्या होगा मेरे जाने से? चल बिल्ली को नहलाते हैं। चश्मा वाले, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? आपका फैसला बहुत बढ़िया था। उन दोनों के बीच ऐसा क्या लफड़ा था आपको पता चला? आपने तो देखा होगा, आपको पता नहीं चला क्या जो आप मुझसे जानना चाहती हैं? जैसे कि उस औरत ने बताया, वैसे आपके घर में भी खाने की तकलीफ है क्या? ओहो चलो संजना भागते हैं यहाँ से, चलो 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 जल्दी। अरे यार ये सब लोग खाने का नाम सुनते ही भागने की लगते हैं। ऐसा क्यों? खाने के मामले में तो हम ही तो नंबर वन है। ये क्यों इतना दुखी दिख रहा है रघु? क्या है डैडी? अरे बिल्ली को नहलाने लेकर गए थे, मगर वापस खाली हाथ आ गए। बिल्ली तो मर गई। मर गई? बिल्ली को नहलाया तो वो ठंड से कांपने लगी। ठंड लगेगी तो कांपेगी ही। मैंने उसका पानी निकालने के लिए क्या किया? उसे निचोड़ दिया। आए? अच्छा आप लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? रघु जिस गाय को बच्चा है वो दूध देती है, लक्ष्मी ने अभी तक बच्चा नहीं दिया। बच्चे के लिए उसे जो भी चाहिए वो सब उसे खिला दो। इसको खिला के कुछ नहीं होगा, गर्भवती कराना पड़ेगा। गर्भवती करना है? मुझे बताइए उसकी दुकान कहाँ है, मैं उसे अभी गर्भवती करवा के ले आता हूँ। मैं क्या करूँ रघु, अपना उधर अम्बावास है ना, उधर उसके पास एक बड़ा सा बैल है, उधर एक गर्भवती भी हो जाएगी और उसके बाद एक बच्चा भी दे देगी। मतलब जो अम्बावास के पास जाता है जिसको बच्चा नहीं होता है उसको भी बच्चा हो जाता है, करेक्ट? बिल्कुल सही। तो चलो तू घर जा, मैं लेकर जाता हूँ। डैडी आपको दुनिया नहीं मालूम है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। चलो चले, चल चल। ये कह रहा है मैं भी साथ में, अब क्या होगा भगवान जाने। नमस्ते जी। नमस्ते डैडी जी, मुझे भी नमस्ते करने के लिए बोलो ना। बेटी मेरे लड़के को भी नमस्ते कहो। नमस्ते छोटे मालिक। बेटी तुम क्यों इस पीपल के चक्कर लगा रही हो बताओ? तो क्या करूं मालिक, 6 साल तक मैंने अपने पति का चक्कर लगाया, कुछ नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ, इसीलिए इस पीपल का चक्कर लगा रही हूँ। बेटी इस पीपल के चक्कर काटने से तुम्हें बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर से मिलो बच्चा हो जाएगा। अरे अरे रुकिए डैडी। अरे डैडी आपको तो पता ही है ना कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ भी नहीं होता है। मैं उसे समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सीधा अम्बावास के पास जाइए। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, अमावस्या के दिन पेड़ का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, बोल रहा है डैडी। डैडी नहीं खरीद लेंगे, चल। ये खेत में कपड़े कैसे उगे? जी मैं हूं। तू है, तेरा बाप किधर है? उधर है। ए, तू तो खेत के बराबर भी नहीं है, तू क्या काम करेगा? तूने इसको पैदा किया है या खरीदा है? पैदा किया है। चल बेटी आराम से बैठ, आराम से।
आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। खाने के वांदे हैं मगर तुम लोगों का पेट आ जाता है। तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? हमारा काम बिगड़ गया ना, अगर तुम लोगों को काम नहीं है तो घर जाओ ना। मेरा पति अस्पताल में बीमार पड़ा है, मैं कमाऊंगी तभी तो खाऊंगी। तुम्हारा पति अस्पताल में है, देखने से तो तुम्हें अस्पताल में रहना चाहिए। ए ललू, हाँ? उस औरत को यहाँ बुलाओ। ए चाचा, उस औरत को इधर भेजो। इससे बात करोगी तो तुम बिल्कुल पागल हो जाओगी। जाओ यहाँ से, जाओ, पागल कहीं के। क्या बहन, तुमको अकल है कि नहीं? तुमको बच्चा होने वाला और तुम खेत में काम करने कैसे आ सकती हो? क्या है ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें पता है इस समय में कैसी तकलीफ होती है? भाई, अरे तू चुप कर, मेरी माँ ने मुझे पैदा करने में कितनी तकलीफ उठाई है तुझे पता है? मैं काम करके ही अपना परिवार चलाती हूँ। वो सब मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। ये लो, और बच्चा होने तक काम नहीं करना, जाओ। कल आपने बछड़े को गधा बना दिया था, ऐसी गलती अब मत करना। बिल्कुल नहीं, आज मैं बजाऊंगा और तुम गाओ। आजा बुढ़ा बालम, यहाँ बुद्धि कर इंतजार। आजा बुढ़ा बालम, यहाँ बुद्धि कर इंतजार। अरे थप्पड़ मार दिया। क्या नानी, मैं तो आपके लवर को आपसे मिलाने के लिए कह रहा था, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुम इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? ओहो, इसके लिए थप्पड़ मारा? नानी, हारमोनियम उठाने वाले से मैंने गाना गवाया, ये मेरी गलती है। अब आप नाराज मत हो, अब बैठ जाओ, अब मैं बजाऊंगा भी और गाऊंगा भी। तुमने गाना गाया तो ठीक है, मगर इसने गवाया। यहाँ सजने कर इंतजार, आजा साजन नदिया के इस पार। यहाँ सजने कर इंतजार, आजा साजन नदिया के इस पार। छोड़ के तू सारा जहाँ, इसका जहाँ तू बसर। छोड़ के तू सारा जहाँ, इसका जहाँ तू बसर। कामिनी, कौन है आप? क्या तुम मुझे नहीं जानती? 40 साल पहले मैंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था, मैं वही कृष्णा हूँ। अरे रे, आपका राग निशाने पे टकराया, ये बड़ा होकर सामने आया। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे मंत्री बनना है। कामिनी, मेरे स्वामी। ए ललू, हाँ, चल जल्दी से घुमाई से। टंक टिका टिका टुम, टंक टिका टिका टुम, टंक टिका टिका टुम। जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? संगीत के विद्वान आपसे मिलना चाहते हैं। संगीत के विद्वान? हाँ, कहाँ? उधर। आइए संगीत के विद्वान से मिलने चलते हैं। आपने बकरी को बकरी का बाप बना दिया, मगर रघु ने क्या किया ये जानती है? आप कैसे जानेंगी? तुम्हें पता है 40 साल से बिछड़े हुए प्यार को हारमोनियम बजाकर एक दूसरे से मिलवा दिया। क्या कहा, दो प्यार करने वालों को मिलवाया? हाँ, और अब रघु जी पूरी दुनिया घूमेंगे, जहाँ जहाँ भी प्यार में तकरार है उधर अपना हारमोनियम बजाकर तकरार मिटाएंगे। नानी, पापी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नानी, मैंने तो आप दोनों बिछड़ों को मिलवाया था और आप ही मुझे पापी कह रही हो। गलत गलत राग गाकर बहु रुपयों को तुमने बुला लिया, उसने मेरी इज्जत लूट ली। मेरी वजह से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, मुझे बताइए कहाँ तुम्हारी इज्जत? मैं ला कर देता हूँ तुम्हें वापस। देखिए, आप अपनी इज्जत जरा मुझे दे दीजिए, मैं नानी को दे देता हूँ। रुकिए रुकिए नानी। ए ललू, तेरे पास इज्जत था तो दे ना। मेरी इज्जत भी गई,
मेरा गहना भी गया। अब मेरा प्यार आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? चल मैं नहीं हूँ। अरे नानी काली का रूप लेकर आ रही है। छोड़ देती हूँ, तुझे आगे देख लूंगी मैं। अरे बाप रे, पहले ये बताइए ये इज्जत क्या है? वो क्या है कि हाँ, एक लड़की किसी से प्यार करती है तो आखिरी सांस तक उसका साथ देती है, उसी को इज्जत कहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आपको सबकी मदद करना अच्छा लगता है, वैसे ही आपको प्यार करना भी आता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। चश्मा वाले, मैं चलती हूँ। मैडम संजना चलो। चलिए चलते हैं। ए लल्लू चल हारमोनियम उठा। अब नहीं उठाऊंगा। क्या बकरा है? अभी तक आपने गाया तो ये हाल है। अब और गाएंगे तो गांव वाले हमारी जान ले लेंगे। वो कैसे? मेरी बात का बुरा मत मानो। आप हारमोनियम मैडम से गाना बजाना सीख लो। क्या सोच रहे हो? हारमोनियम मैडम से अब तो हारमोनियम सीखना ही पड़ेगा। मालिनी, मुझे संगीत सीखना है। मंदिर नहीं जाते हैं ना? भगवान को भी नहीं मानते? ऐसा कल तक था, मैं अब बदल गया हूँ। हाँ, तो अब संगीत शुरू करें? संगीत शुरू करती हूँ, मगर पहले भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब तक आपका सर रागों से खाली था, अब मैं उन्हें रागों से भर दूंगी। आगे कीजिए सर।